हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, आज हम ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही दुख भरी है और एक भारत के लिए तो बहुत ही शर्मसार है। और मैं बात कर रही हूँ उस घटना की जो केरला में घटी थी, जहाँ पर एक भूखी हथनी को उसकी भूख मिटाने के लिए भोजन ना देकर उसको पटाखों से भरा अनानास खिला दिया गया। वो हथनी वहाँ इस तरफ आई थी कि जहाँ इंसान दिखे और इंसानियत नज़र आए। वो वहाँ अपनी भूख मिटाने आई थी, अपने बच्चे को भोजन कराने आई थी, बट कुछ जाहिलों ने उसकी भूख ना मिटाते हुए उसको अनानास खिलाया, वो भी पटाखों से भरा। अरे, इंसान होने के नाते उन्होंने अपनी इंसानियत ही खो दी और उसके बच्चे को उसके साथ ही कोख में मार दिया गया और मारने के बाद वो वहाँ से भाग गए। केरला एक भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पढ़े लिखों की संख्या बहुत है, मगर आज उसी पढ़े लिखे राज्य में ये घटना घटित हुई थी। कभी सोच के देखा है कि उसको कितना दर्द हुआ होगा? जरा सी उंगली हमारी जल जाती है तो कितना दर्द होता है, चीख निकल आती है, आंसू निकल आते हैं, पूरा घर सर पे उठ जाता है कि हाय उंगली जल गई। उससे पूछिए कि वो तो पेट में ही जल गया। और इस समय पूरे देश में इस जानवर की मौत को लेकर बहुत दुख है, शोक है, आंसू है, पछतावा भी है कि ये कैसे हो गया। वो प्यारा सा बच्चा जो इस दुनिया को देखे बिना ही चल दिया, कितनी पीड़ा से गुजरा होगा, सोच कर भी रूह कांप जाती है। ये कोई शरारत नहीं, ये जानवर इंसान के बीच भरोसे का कत्ल है जो कि एक इंसान ने ही किया है। अब क्या होगा प्रोसीजर, कैसे सज़ा मिलेगी, गुनाहगार जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसे कौन सी सज़ा दी जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। एक कैसी इंसानियत है जो एक जानवर को खा गई। एक गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत पर पूरे लोगों में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है कि क्या पता अब क्या होगा। तो मैं इस छोटी सी वीडियो से सिर्फ आपको यही संदेशा देना चाहती थी कि जानवर जो है उनमें भी जान है, वो उसको भी दर्द होता है, उसे भी पीड़ा होती है, उसको भी आंसू आते हैं। तो कभी उसकी जगह सोच के देखिए कि हम कैसे उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको पीड़ा देते हैं। गली में भी अगर एक कुत्ता घूम रहा होता है तो अगर एक आदमी उस कुत्ते को रोटी खिला रहा होता है ना, तो दूसरा आदमी आके उसे झिड़क देता है, उसे मना करता है, उसे लात मारता है। तो कभी सोच के देखिए अगर आपको कोई लात मारे तो कैसा लगता है। तो आज इस छोटी सी वीडियो से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि जो लोग प्यार नहीं करते ना जानवरों से, कृपया करके थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए, उनको प्यार दीजिए, उनको प्रेम दीजिए। क्या मांगते हैं वो? प्यार ही तो मांगते हैं, और बदले में आप क्या देते हैं? झिड़कार, लात, ठीक है। तो प्लीज़ कृपया करके थोड़े से एनिमल लवर बनिए और जानवरों से प्यार करना शुरू करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।